कॉन्स्पिरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? इसका चैप्टर याद रखना, चैप्टर 5A, ठीक? और ये इनिशियली नहीं था, मतलब जब आईपीसी स्टार्ट हुआ, आईपीसी 1860 में स्टार्ट हुआ था, तब मतलब जब ये कमेंट्स हुआ था, तब यहाँ पर वो क्या हुआ था, ये नहीं, ये लेटर ऑन इन 1913, ठीक है, 1913 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से इसको एड ऑन किया गया था। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 1913 में एड ऑन एड किया गया था, तो याद रख लेना। इट इज इट वॉज नॉट, ये कई बार इंटरव्यू में ही, कई ऐसे बहुत छोटी चीज है ये, बट स्टिल यू नेवर नो कि इंटरव्यू में क्या पूछ ले, तो याद रखना इट वॉज नॉट ओरिजिनली कोडेड इन दिस एक्ट आईपीसी में, ठीक? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने अबेटमेंट वगैरह कर लिया है, ठीक? अब काफी सिमिलैरिटी भी रहेंगी इसमें कॉन्स्पिरेसी पे, बट स्टिल एक कॉन्स्पिरेसी अलग ही हमारा ऑफेंस है, ठीक? अच्छा, तुम लोगों ने अगर देखा स्टेजेस ऑफ क्राइम, हालांकि ये अभी टॉपिक नहीं डिस्कस करना है हम लोगों को, बस कुछ पॉइंट्स हैं इसके मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिलेटेड टू कॉन्स्पिरेसी है। इंटेंशन, ठीक, मतलब क्या आपका, मेंस रिया, गुड, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट बोलो या क्राइम हो जाना, ठीक है? कम्प्लीशन ऑफ द क्राइम या अकम्प्लिशमेंट, वॉट एवर यू से बोथ आर करेक्ट, अकम्प्लिशमेंट या कम्प्लीशन ऑफ क्राइम, वॉट एवर, ठीक? तो याद रखना कॉन्स्पिरेसी क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, इज इट अ कंप्लीट क्राइम और इनकम्प्लीट क्राइम? जैसे अबेटमेंट हम लोगों ने किया था, अबेटमेंट किया था, तो क्या वो कंप्लीट क्राइम था कि इनकम्प्लीट क्राइम था? इनकम्प्लीट क्राइम था। वेरी गुड, ठीक है, इनकम्प्लीट था। वैसे ही याद रखना कॉन्स्पिरेसी भी क्या है, इनकम्प्लीट, इसी को क्या कहते हैं, इनकोएट, इनकोएट क्राइम या इनकोएट ऑफेंस, कुछ भी कह लो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लो, इट इज एन इनकोएट क्राइम या ऑफेंस। और देख लो, अभी तक हम लोग ने देख लिया एक तो अबेटमेंट, एक ये छोटा सा पॉइंट है, इसको साइड में नोट करके लिख लो कि हम लोगों ने अभी देखा कि इनकोएट कौन कौन से क्राइम होते हैं। अभी तो देख लिया अबेटमेंट होता था पहले भी टॉपिक पे, अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्पिरेसी होता है और जैसे ऑफेंस का, जैसे मान लो मर्डर एक ऑफेंस है, उसका जो अटेम्प्ट है वो क्या होगा, अटेम्प्ट किसी चीज का क्या होता है, क्या कंप्लीट हो जाता है? मान लो मर्डर किया हम लोगों ने, एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर हम लोग करने जा रहे हैं, मर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, पहुंच गए हम वेपन, हमने तैयारी सब कर ली है, बंदूक निकाला, ये कर लिया, वो कर लिया, सारी तैयारी कर ली है, लेकिन वी फेल टू अटेम्प्ट दैट मर्डर, तो क्या अटेम्प्ट तक कंप्लीट हो जाता है क्राइम? नो। इसलिए ये भी याद रखना कि किसी ऑफेंस का अगर अटेम्प्ट किया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मर्डर किया है, तो वो अटेम्प्ट भी क्या होगा, इनकोएट क्राइम। दिस इज एन एडिशनल पॉइंट, एडिशनल पॉइंट ये है, इसको कॉन्स्पिरेसी में याद रखना, ठीक? और अब हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, कॉन्स्पिरेसी निकालो सेक्शन 120A और 120B, ये इन्हीं दोनों में है, इसमें मेन प्रोविजन दे रखा हुआ है, इसमें इसका पनिशमेंट दे रखा है, तो याद रखना वेयर एवर कॉन्स्पिरेसी इज पनिश्ड इन 120B, और जो मेन प्रोविजन है वो 120A में है, सो लेट्स टेक आउट द बेयर एक्ट 120A, जिसमें क्या बोला गया है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक? देखो दो पॉइंट इसमें दे रखे हुए हैं, जहां पर बताया है कि टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, पहला इलीगल एक्ट, और ये और इम्पोर्टेंट है, और या दूसरा एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाई लीगल मीन, बट सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक? तो ये भी याद रखना कि भले ही इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स, नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स, विल अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, इसका प्रोवाइजो भी है एक, प्लस इसका एक एक्सप्लेनेशन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि
क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी एक पर्सन कर सकता है, खुद से कॉन्स्पायर कर सकता है कोई इंसान? नो मैम, नहीं, नो। है ना? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू कंस्पायर. मियर एग्रीमेंट इज इनफ फॉर कॉन्स्पिरसी. ये एक लाइन जो है इसको रख लो दिमाग में, बैठा लो. मियर एग्रीमेंट इज इनफ फॉर कॉन्स्पिरसी. ठीक है, मियर एग्रीमेंट इज इनफ फॉर कॉन्स्पिरसी. अब आगे देखो, लेट्स मूव विद दी ये देखो कॉन्स्पिरसी. अभी हम लोगों ने क्या बोला, एग्रीमेंट टू डू और कॉज टू बी डन. तो एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो इलीगल एक्ट हो चाहे वो लीगल एक्ट हो बाय इलीगल मींस. ठीक, हम लोगों ने इलीगल कहाँ देखा था? हम लोगों ने इलीगल एक्ट अभी देखा था आईपीसी में, इसके पहले सेक्शन 40, 43. वेरी गुड. इलीगल जो कि क्या है, एक ऑफेंस होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, बाय लॉ होता है, और जो एक क्या होता है, सिविल एक्शन का ग्राउंड देता है. ठीक, सिविल एक्शन का भी ग्राउंड देता है. और ये इलीगल एक्ट बाय इलीगल बाय चांस, एग्जांपल के तौर पे सुनो कि हमने कोई कोई भी एक्ट लीगल पर्पस कर रहा है, ठीक है, कोई भी काम लीगल लीगल कर रहा है. मान लो वट एवर, ए और बी ने कोई एग्रीमेंट किया फॉर अ लीगल वर्क, बट उन्होंने तरीका जो अपनाया, द वे दे यूज्ड, वो इलीगल था, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्पिरेसी के तहत आ जाएगा. काम लीगल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो तरीका अपनाया है वो क्या था, इलीगल, तो भी क्या हो जाएगा, मतलब कान चाहे धस पकड़ो चाहे कान धस पकड़ो, हम दिखा तो रहे हैं कि हम साफ काम कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर क्या है, पूरा इलीगल मीन्स है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा अंडर 120A एंड 120B में पनिशमेंट. ठीक, और ऑब्वियसली अगर हम कोई भी इलीगल एक्ट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एन ऑफेंस. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस मैम. वेरी गुड. यस मैम. अब देखो इसमें अभी जो मैंने बताया कि मेयर एग्रीमेंट, तो इसको कहते हैं एग्रीमेंट इज सिंक्वानॉन टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ठीक, क्या ये लाइन सही है, यस और नो? एग्रीमेंट इज सिंक्वानॉन फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अच्छा एक बात और बता देती, कॉन्स्पिरेसी सिविल एंड क्रिमिनल दोनों होती है. टॉर्ट में भी पढ़ा है कॉन्स्पिरेसी और आईपीसी में भी, तो इट इज अ सिविल रॉन्ग ऑल्सो एंड इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग ऑल्सो. ओके, तो क्रिमिनल अगर पढ़ेंगे तो आईपीसी के तहत, और अगर सिविल पढ़ते हैं तो टॉर्ट के तहत. ओके, ये बात मैंने अभी दिमाग में आई, सो नॉट टू मिस, हालांकि ये सिर्फ तुम लोगों के नॉलेज के लिए है. तो क्या एग्रीमेंट इज सिंक्वानॉन फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि मियर एग्रीमेंट इज एनफ फॉर कॉन्स्पिरेसी. इट मींस दैट यस एग्रीमेंट इज सिंक्वानॉन फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. गुड, यस पल्लवी, यू आर राइट. इसका केस भी था पॉल्टर्स केस. ठीक है, पॉल्टर्स केस जो है इसी में ये बात कही गई थी, पाउल्टर्स केस 1811 में ये बात कही गई थी कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें मियर अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो इट इज इनफ फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ओके, अब देखो कुछ इसमें चीजें हैं जो मुझे तुम लोगों को बतानी है, और जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक क्या है, सब्सटेंटिव ऑफेंस. क्या है, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस. इसको ऐसे करके लिख लो तुम, ये थोड़ा सा ना ये राइटिंग पैड पे कितना भी कोशिश करती हूँ इसमें राइटिंग और लाइन सब सही बने पर नहीं हो पाता है. जस्ट मेक थ्री थिंग्स दैट कि इट इज एन क्या, सब्सटेंटिव ऑफेंस. इसमें अबेट मेंट बाय, ये
ऑलरेडी हम लोग टॉपिक कहाँ कर चुके हैं, अबेटमेंट में 107 के क्लॉज 2 में, ठीक। और कॉन्स्पिरेसी अलग है, बहुत सारे इंडिविजुअल ऑफेंस में भी क्या हो जाता है, एज अ पार्ट बन जाता है। तो ये भी लिख लो, पार्ट ऑफ एन ऑफेंस। मतलब अब जैसे हमने किया, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 121A में, जहां पर वेजिंग वॉर में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसिंग बाय फॉर वेजिंग वॉर, या ठग के लिए किया, या जब डकैती करते हैं तो वो लोग भी आपस में क्या करते हैं, ऑब्वियसली टू और मोर है तो डकैती हो चाहे रॉबरी हो, उसमें ये लोग क्या करते हैं, वन और टू पर्सन मिलके कॉन्स्पायर करते हैं, ठीक है। तो चाहे तुम लोग डकैती का लिख लो, चाहे चोरी का लिख लो, चोरी भी दो से चार लोग, पांच लोग कर सकते, चार लोग तक उसको चोरी माना जाएगा। तो ये सब भी क्या है, एक पार्ट बन जाता है ऑफेंस का। जैसे हम लोगों ने अबेटमेंट में देखा था कि अगर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है तो वो भी क्या हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है। अच्छा ये याद रखना, अभी अभी हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया था अबेटमेंट में और कॉन्स्पिरेसी का डिफरेंस, लेकिन फिर अगेन आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू, बट लेटर ऑन, ठीक। अब मैंने जो अभी बताया कि ये एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, क्यों, एनी आइडिया किसी को, एनी आइडिया? नो मैम, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक केस। कुछ चीजों को पहले फंडामेंटल समझ लो इसका क्या है। एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा है, सोमनाथ मंदिर नहीं, सोमनाथ थापा। ये 1996 का केस है, ठीक है। तो इसमें क्या बता कि चार लोग गए हैं कहाँ, चार लोग ए बी सी डी, इन लोगों ने मिलके बैंक को लूटने का प्लान बनाया था, ठीक। तो ये जब बैंक लूटने का प्लान बनाया, सो व्हाट हैपेंड कि ए और बी मिलके गए अंदर, और सी को था कि ये हेल्प करेंगे, और डी इज द ड्राइवर। डी क्या है, ड्राइवर। सो व्हाट हैपेंड कि ए बी सी तो मिलके रॉबरी करने चले गए, लूटने चले गए बैंक को, और डी ड्राइवर था, जहां पर एक सबको नॉलेज थी कि बैंक में हम क्या करने जा रहे हैं, लूट, ये सबको पता था, ठीक। एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट में ये हुआ कि सेम केस ए बी सी एंड डी, जहां पर ए बी सी को नॉलेज था कि हम बैंक को क्या कर रहे हैं, लूटने जा रहे हैं, लेकिन डी को नहीं पता था। डी जस्ट अ ड्राइवर, ये सब बैंक में बाहर वेट कर रहा था। एबीसी ने बोला कि आप वेट करो, हम आते हैं बैंक में कुछ सामान, मतलब अपना काम करके आते हैं। ही वॉज नॉट नोइंग कि एबीसी रॉबरी करने जा रहे हैं। अब मुझे बताओ इसमें कितने लोग लायबल हैं और इसमें कितने लोग लायबल हैं फॉर कॉन्स्पिरेसी पार्ट वन में। All four are liable, और इसमें three, मतलब A, B and C, ठीक। तो ये इसमें बहुत important बताया गया था कि जो objective है that is knowledge is unnecessary। जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको crime के बारे में पता नहीं है, offense के बारे में पता नहीं है, तो how can you held liable for that? No, obviously not। Knowledge is important, right? इसीलिए इसको कहा गया है मीटिंग ऑफ माइंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। जब इसीलिए मैंने अभी बोला ना, एग्रीमेंट इज सिंक्वा नॉन टू फॉर कॉन्स्पिरेसी, तो इसीलिए बोला जाता है कि क्यों एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, पार्टीज के बीच में। अगर पार्टीज को पता ही नहीं है किस बात का एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो कैसे एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना। पार्टीज को तो पता होना चाहिए ना कि क्या ए और बी अगर कोई चीज के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको ए को भी पता है, बी को भी पता है, और मान लो सी है तो सी को भी पता होना चाहिए कि क्या किस चीज के लिए एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो मीटिंग ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट, भले ही काम अलग अलग हो। इसका काम है बैंक में जाकर के सबको होल्ड करना, इसका काम है लूट मतलब टू टेक मनी, इसका काम है पहरेदारी करना, गार्डिंग। और मान लो डी, उसको भी पता है, मान लो ड्राइवर को पता है, तो वो उसका काम है ड्राइविंग करना। तो असिस्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे सबको,
टीम वर्क हो रहा है ना यहाँ पर, yes, एक पूरा एग्रीमेंट बन गया है, इन सबका माइंड मिल चुका है, तो किस चीज के लिए माइंड मिल गया है? टू रॉबरी ना, रॉबरी करने की इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची। वेयर मीटिंग इज माइंड इज एब्सेंट, तो कुछ नहीं। अब ये भी बात सही है कि हम कॉन्स्पिरेसी क्या करेंगे, एक अकेले में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी का कौन करेगा, एक से ऑब्वियसली दो या ज्यादा, टू और मोर, हम अकेले में क्या कॉन्स्पिरेसी कर लेंगे, नो, तो टू और मोर पर्सन आर नेसेसरी फॉर द कॉन्स्पिरेसी, ये केस में भी कहा गया था, ठीक है, ये केस में भी कहा गया था तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, कि अगर एक मान लो एक कोई एक इंसान है जिसको कॉन्स्पिरेसी के लिए इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, तो इट वाज हेल्ड दैट कि भाई आप कॉन्स्पिरेसी एक अकेले में एक वन कैन नॉट कॉन्स्पायर इन हिमसेल्फ, अ पर्सन अपने आप में नहीं कॉन्स्पिरेसी रच पाएगा, ये तपन दास के केस में कहा गया था। बट अगर यही एक केस अगर ऐसा हो जाए कि जहां पर मान लो चार लोग हैं, ये बैंक रॉबरी वाला समझ लो केस, ठीक है, मान लो बैंक रॉबरी में, और जो ड्राइवर है वो पकड़ा गया, ड्राइवर वॉज होल्ड, उसको पकड़ लिया कैच, और ये तीनों क्या हो गए, भाग गए, रफो चक्कर हो गए, एक पकड़ा गया, तो क्या अब यहाँ पर डी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशेबल लाइबल रहेगा ये? यस, ये कहा गया था बिशंबर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में, जिसमें कई कन्विक्ट मतलब कई पर्सन थे जिन्होंने, 6 पर्सन रहे हुआ जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी, तो जिसमें से कई चले गए थे, भाग गए थे, तो उसमें से एक दो पकड़े गए थे, तो उन लोगों को उठा करके जेल में जब डाला गया तो उन्होंने बोला था कि मतलब इट वॉज हेल कि भाई पार्ट तो थी, अकेले तो था नहीं, पूरा ग्रुप था, ठीक है, उस टाइम दो लोग पकड़ेगा या एक लोग पकड़ेगा या चार लोग पकड़ेगा, बाकी रफू चक्कर हो गए, तो बाद में पकड़े जा सकते हैं कि नहीं पकड़े जा सकते हैं, बट अगर इनको पकड़ करके हम छोड़ देंगे तो इट मींस कि आप एक क्या कर रहे हैं, और गलती कर दे रहे हैं कि आप अक्यूज पर्सन को या जो पर्सन अभी क्या कहते हैं पकड़े गए हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को छोड़ देंगे, इट मींस आप एक और ऑफेंस कर रहे हैं या एक और ऑफेंस का न्योता दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें सामने आ गई? यस मैम। अब इसी तरह देखो, इसको एक बात और कही गई है कि ये एक क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी है, क्या है ये, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जैसे ये एक कोई ए और बी है, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी और डी, ठीक, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको बस अगर सिंपल तरीके से पढ़ो तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी रची, ये एक प्रावधान हो गया, ए बी और इसमें सी भी इंक्लूड हो गए, ये दूसरा क्लॉज हो गया, ए बी सी और डी ये तीसरा हो गया, ठीक है, तुम लोग को शोर हो रहा है क्या? No, ma'am. वर्क चल रहा है घर पे, तो अगर हम देखें तो जब ए और बी मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक फेज हो गया, उसमें सी भी इंक्लूड हो गया सेकंड, इसमें थर्ड भी, फोर्थ डी इंक्लूड हो गया, ये थर्ड फेज हो गया, मतलब कि ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली टू पर्सन आर नेसेसरी, इसमें बढ़ते जा सकते हैं और इसे बढ़ते भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी जैसे बताया कि ए गया किस चीज के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक होल्ड कर रहा है, एक सामान ले रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, एक गार्डिंग कर रहा है, एक ड्राइवरिंग कर रहा है, एक हो सकता है उठा के सामान आपका स्टोर करने के लिए हो, ठीक, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूसली एक स्टेप बाय स्टेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, yes, ma'am. है ना, तो एक पहले पैसा उठाया, फिर इसने लिया, फिर उसने किया, फिर वो किया, फिर वो गया, सो एक ये पूरा कंटिन्यूसली एक ऑफेंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनता चला जा रहा है, और इसमें जो पार्टीज भी हैं वो क्या है, एक के बाद मतलब इट्स नॉट नेसेसरी ओनली टू पर्सन आर देयर, दो से ज्यादा भी हैं इसमें, ठीक है, तो ये याद रखना कि एक बार आपने ऑफेंस स्टार्ट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी बताने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस द ऑफेंस हैज स्टार्टेड तो
आप क्या है, उसके कटघेरे में आ गए, किसके? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। कैसे? जब इन लोगों की प्लानिंग हुई होगी ए बी सी और डी की, ये ध्यान से समझना, प्लानिंग पहले से हुई होगी कि ए ये काम करेगा, बी वो काम करेगा, सी वो काम करेगा, डी वो काम करेगा, अभी सिर्फ प्लानिंग हुई है, ओनली प्लानिंग। अब आप जैसे ही काम करने जा रहे हैं बैंक में, मतलब आपने क्या किया, वो काम को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपकी प्लानिंग से ही क्या हो गया, ऑफेंस स्टार्ट हो गया। ओके आपकी प्लानिंग से ऑफेंस स्टार्ट हो गया है, और वो एग्जीक्यूट होगा कैसे, ए ने जैसे ही होल्ड किया, बी अपना काम कर रहा है, सी अपना काम कर रहा है, अब क्या ये काम करने के बाद वो मान लो वहां पर आ गई पुलिस आ गई, क्या वो बोलेगा कि नहीं 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 मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, या मैं वो होल्ड नहीं कर रहा हूँ, या मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, या मैं पहरा नहीं दे रहा हूँ। तो वंस द प्लानिंग हैज स्टार्टेड, वंस द कॉन्स्पिरेसी हैज स्टार्टेड, उसको फिर एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट याद रखना, या उसको रिसाइंड, जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जा रहा है, वो एक पूरा क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो क्या है, पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग टिल इट इज एग्जीक्यूटेड या रिसाइंडेड या कंप्लीट, या उसको कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड। ये बात समझ में आई? तो वंस दे हैव स्टार्टेड विद द प्लानिंग टिल वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या रिसाइंड नहीं, रिसाइंड या फ्रस्ट्रेटेड मतलब खत्म, तो ये पूरा क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया है इसको। ठीक है, कि इवन दो आप ए का काम अलग, बी का काम, सी का काम अलग है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बट जैसे ही लोगों ने पहली प्लानिंग करी कि ए का काम ये, बी का काम ये, सी का काम ये, डी का काम ये, सो देन दैट मोमेंट विल स्टार्ट फॉर देयर इनिशियल स्टेज, नॉट ओनली दे हैव एंटर्ड टू द स्टेज ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो याद रखना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस मर्डर का भी इन लोगों को क्या लगेगा, पनिशमेंट। कि मान लो अगर ए कोई पर्सन अगर मर्डर कर रहा है, तो उसमें तो मर्डर का लग गया, लेकिन अगर ए बी सी और डी ने मिलके मर्डर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनपे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस मर्डर, तीनों दोनों का ऑफेंस लग सकता है, इवन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी प्लस मर्डर लग सकता है। चलो ये तो अभी हम पार्ट ऑफ पनिशमेंट में आएंगे, तो और अच्छे से समझा देंगे। But till now, you all got these points. ये सारे बहुत important points हैं जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है। Second, एक और point याद रखना कि इन लोगों की mutual agency, ये लोग क्या किससे काम करते हैं, mutual agency। कि अगर अगर मान लो कि A और B ने, ठीक है, conspiracy रची क्या कि इसका murder करना है C का, ठीक है, इसको illustration से समझो। कि अगर मान लो सी इसका क्या हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सी कि इसका क्या करना है, मर्डर करना है, ठीक है, इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची कि सी का मर्डर करना है, भले ही बी इसमें कोई काम ना करे, कोई काम ना करे, ए ने जाके सिर्फ सी को मारा है, तो क्या बी लाइबल नहीं होगा, वो बने। ठीक है, तो ये चीज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये म्यूचुअल एजेंसी होती है, ये बोथ आर लॉबल लाइबल, क्योंकि इनका कॉमन ऑब्जेक्ट भी एक ही है, कॉन्स्पिरेसी भी दोनों ने मिलके की है, और वो एक्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूट भी हुआ, मतलब सी का मर्डर हो गया है, इवन तो बी ने नहीं मारा है, ए ने मारा है, बट स्टिल बी विल आल्सो बी लाइबल। जैसे हमने ये अबेटमेंट में भी देखा था कि अबेटर इज आल्सो लाइबल, लाइबल होता है कि नहीं होता है, जिसने भी इसको अबेट किया है उसके साथ साथ, है ना, तो ये भी एक उसी तरह का ऑफेंस है। मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि ये सिविल एक्शन का भी ग्राउंड होता है, ये भी एक पॉइंट है, क्यों, क्योंकि वो इलीगल एक्ट आता है, आई हैव टोल्ड दिस पॉइंट इन द इनिशियल, ये सिविल एक्शन का भी, क्योंकि ये इलीगल एक्ट के भी उसमें आता है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओगे कि हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिश क्यों करते हैं, व्हाई डू वी पनिश इट, क्यों? ए ने मान लो कोई प्लानिंग करी, उसको हमने पनिश नहीं किया, जब ए और बी मिल के प्लानिंग करते हैं तब हम दोनों को पनिश कर देते हैं, व्हाई, एनी आइडिया? मीटिंग ऑफ, तो मीटिंग ऑफ माइंड डज नॉट मेक एनी ऑफेंस, ठीक है, दो लोगों के एक जैसे
मत या प्लानिंग हो सकती है, दैट डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस. पास में हो, थोड़ा और बुद्धि लगाओ. आवाज नहीं आ रही बेटा, कट रही है. चलो आई विल टेल. ए जो है, अगर आप कहते हैं ना एक से भले दो, कहते हैं एक से भले दो, क्यों? एक में इतनी ताकत इतनी हिम्मत नहीं होती है जब एक से बढ़ के दो जाते हैं. अगर एक बहुत बड़ा कोई सोफा है, ठीक है, उसको अकेले आप खिसकाओ, अगर दो लोग मिलकर खिसका लेंगे तो आसानी से खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा? Yes, ma'am. यही होता है. इसमें मिलता है क्या आपको? इंकरेजमेंट. Yes, ma'am. ये भी एक केस में कहा गया था कि देवेंद्र पाल सिंह के केस में कहा गया था कि पनिशमेंट कॉन्स्पिरेसी को इसलिए भी देनी चाहिए बिकॉज एक से भले दो होते हैं और दो से मिलती है क्या? इंकरेजमेंट. इसलिए दोनों लोगों को, मतलब एक से, अब इसमें तो सिर्फ दो बोला है मैंने, इसमें से जितने भी लोग रहे हैं, अब मान लो 10 लोग एक सोफा को मिलकर रहे तो आसानी से हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा. दो लोग में फिर भी थोड़ा लगेगा, अब 10 लोग हो जाएंगे तो और आसानी से हो जाता है. तो क्या हो जाती है? ताकत मिल जाती है एक सबको, है ना, सबको बल मिल जाता है एक दूसरे से. सो दिस इज व्हाट इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ देवेंद्र पाल. तो कि इंकरेजमेंट एक दूसरे से जब मिल जाता है तो इट लीड्स टू द पनिशमेंट, इसीलिए इसको पनिशमेंट दिया गया है. राइट right? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब हम लोग लास्ट इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें वी विल डिस्कस द एक और इंपॉर्टेंट केस बता देती हूँ. तुम लोगों ने राजीव गांधी असैसिनेशन केस सुना होगा. राजीव गांधी का मर्डर केस. यस मैम. ये कहा गया था कि नॉलेज वाली बात, मतलब इस ऑलरेडी मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया है. इस केस का नाम बताना था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नरीली के केस में ये कहा गया था कि जो मैंने अभी वो बात बताई थी कि एग्रीमेंट इज सिंक्वा नॉन टू कॉन्स्पिरेसी, ये इस केस में भी ये बात कही गई थी कि नॉलेज अबाउट कॉन्स्पिरेसी ऑब्वियसली विल मेक अ क्या पर्सन लायबल फॉर कॉन्स्पिरेसी. मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी. तो वो इक्वली लायबल रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे? इक्वली लायबल रहेंगे. ठीक. अब मान लो कि एक कोई टारगेट है, मान लो मिस्टर आर इज दी टारगेट, मान लो राजीव गांधी वाज़ द टारगेट. एक टुकड़ी यहाँ काम कर रही है, एक टुकड़ी यहाँ काम कर रही है, चार लोगों की. ठीक है, ये चार लोग यहाँ मारने के लिए उनको तैनात है और ये चार लोग इनको यहाँ संभालने के लिए तैनात है. ओके. बट ये पार्टी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं. ठीक है. अब टारगेट इस पार्टी से हिट हो गया, मान लो इस पार्टी से टारगेट पार्टी वन से हिट हो गया और पार्टी टू भी कॉन्स्पिरेसी रची हुई थी, पूरी प्रिपरेशन कर रखी हुई थी. मर्डर हो गया पार्टी वन से और पार्टी टू से मर्डर नहीं हुआ मान लो, तो क्या पार्टी टू को इन्होंने पूरा प्रिपरेशन तैयारी वाली सब कर लिया था, सिर्फ हिट नहीं हुआ था टारगेट, ओनली नॉट हिट. तो क्या इसको हम लायबल ठहराएंगे पार्टी टू को? नो मैम, मर्डर के लिए नहीं, कॉन्स्पिरेसी के लिए करेंगे. वेरी गुड. अब मुझे संतुष्टि होगी, इसका मतलब कि आई हैव मेड दिस टॉपिक वेरी क्लियर. यस, नॉट फॉर मर्डर. यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस मर्डर हो जाएगा, यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए. ओके, वेरी गुड. चलो अब मैं तुम लोगों को नोट्स दे देती हूँ. ठीक है. पनिशमेंट. हाँ, पनिशमेंट इसका कुछ नहीं है बेटा, बस याद रखना कि जो इसमें पार्ट वन है और पार्ट टू है. पार्ट वन में जो पनिशमेंट के बारे में दे रखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑफेंस, मतलब दो लोग कर रहे हैं, ए और बी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और वो ऑफेंस क्या दे रखा हुआ है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और मोर. ठीक है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, टर्म ऑफ 2 year और मोर से ज्यादा का अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है तो उसको उतना ही ऑफेंस देंगे जितना अगर उसने अबेटेड, मतलब दैट ऑफेंस हैज बीन अबेटेड. जैसे हम लोग अबेटमेंट देते हैं, अबेटमेंट में सेम एज द एक्ट अबेटेड, अगर 2 या 2 साल से वो ऑफेंस पनिशेबल है, मान लो कोई ऑफेंस 2 साल से ज्यादा पनिशेबल का है तो उसको उतनी ही सजा देंगे एज इफ द एक्ट हैज बीन अबेटेड. ठीक. दूसरा पार्ट इसका कहता है कि अगर 2 साल से कम का है, तब 2 साल से कम का है तो उसको नॉट एक्सीडिंग 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ. तो 6 महीना और फाइन और बोथ. तो ये अबेटेड वाला पनिशमेंट चलेगा इसमें, और इसमें कम में तो 6 months का. ठीक है.
और ये भी याद रखना, एक बार 120B का पढ़ भी देते हैं, इसमें लिखा हुआ है whoever the party में कौन सा फॉर द ऑफेंस पनिश विद डेथ LI, ठीक है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या LI बोल दो, और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ टू और मोर इयर्स विल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर इफ ही और शी हैड अबेटेड सच ऑफेंस, ठीक है. तो इसमें अगर आई मिस्ड डेथ या LI या 2 साल से ज्यादा के का कोई ऑफेंस है, तो अब इसमें कितना होगा, एज इफ द एक्ट हैज बीन अबेटेड बाय दैट पर्सन, ठीक. और अगर 2 साल से कम की कोई सजा है, तब उसमें क्या होगा, इसमें डेथ और LI भी नहीं आएगा, इसमें 6 मंथ फाइन या जेल. ओके, एक चीज मैं तुम लोगों को बोली थी बताने के लिए, क्या कि डिफरेंस बिटवीन 107 के अबेटमेंट बाय कॉन्स्पेरेसी और कॉन्स्पेरेसी में एक बस डिफरेंस ध्यान रखना. पहली बात तो पनिशमेंट का, पनिशमेंट दोनों में अलग अलग है. दूसरा क्या है जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप 107 में अबेटमेंट करते हो बाय कॉन्स्पेरेसी, तो उसमें मैंने बताया था कि ओवर्ट एक्ट करना जरूरी है, एक कोई मतलब एक्ट उसमें करना जरूरी है. बट यहाँ पर क्या है, मियर एग्रीमेंट इज इनफ बोला था 120A में, मियर एग्रीमेंट इज इनफ. यहाँ पर एग्रीमेंट मतलब कॉन्स्पेरेसी के साथ साथ क्या है, एक कोई आपको एक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है. एंड एक्ट सीरियस बताया था मैंने वहां पर, तो वो भी जरूरी है फॉर अबेटमेंट फॉर कॉन्स्पेरेसी 107 में क्लॉज 2 है, और ये 120A में मेयर एग्रीमेंट इज इनफ फॉर द कॉन्स्पेरेसी. ये एक हम लोगों के लिए क्या हो गया, टॉपिक फॉर कॉन्स्पेरेसी. आपको इससे ज्यादा बहुत ज्यादा अगर गहराई में गए तो कोई बात नहीं, वैसे इट इज मोर देन इनफ